देखिए, हमारे को बार बार ये खबरें मिल रही है कि अलग अलग हॉस्पिटल्स से रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं। पहले घाटी हॉस्पिटल से हुए, सिविल हॉस्पिटल से हुए, और कई खबरें ये भी आ रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो कुछ लोग ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। मैं तमाम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई इंसान अगर आपको मिलता है, कोई मेडिकल स्टोर अगर आपको ऐसी नज़र आती है जहाँ पर ये रेमडेसिविर के इंजेक्शन है तो ब्लैक के अंदर बेचे जा रहे हैं, या टॉसिलोजिमैब जो इंजेक्शन 40-1000 रुपये का आता है वो अगर ब्लैक में बेचा जा रहा है, उसकी फौरन जानकारी हमको दे। बल्कि हमको जानकारी ना देते हुए उस आदमी को पकड़ कर आप लेके आइए, घसीट कर लेके आइए हमारे पास। हम उस शख्स को भरे सड़क के ऊपर लोगों से जूते खिलवाने लगेंगे, और मैं खुद जूते मारने की शुरुआत करूंगा भरी सड़क के ऊपर। तो मैं लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का हशर क्या होना चाहिए, अगर वो देखना है तो एक ऐसे केस को हमारे पास लेके आइए, या हमको बताइएगा कि ये दुकान के ऊपर या ये आदमी है तो रेमडेसिविर का ब्लैक कर रहा है करके। सड़क के ऊपर उसको मारा जाएगा, और फिर उसको मार के है तो हम पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग अगर ऐसे वक्त के अंदर पैसा कमाने का सोच रहे हैं जबकि इंसानी जान खतरे में है, लोग मर रहे हैं, और यहां पर पैसा कमाने के लिए अगर ऐसे वक्त के अंदर कोई बेमानी का रास्ता इख्तियार कर रहा है, ब्लैक के अंदर बेच रहा है, तो उसका हशर क्या होगा, ये हम दिखाना चाहते हैं। और सिर्फ मैं ये औरंगाबाद के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जहां जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद है मैं उन सबको ये कह रहा हूं, अगर किसी शख्स के बारे में ये जानकारी मिलती है कि ब्लैक के अंदर ये रेमडेसिविर का या इंजेक्शन का ये कारोबार कर रहा है, या ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ब्लैक के अंदर अगर कोई बेच रहे हैं, उसकी जानकारी हमको दीजिए, या उसको घसीट कर हमारे पास लेके आइए। हम भरी सड़क के ऊपर उसकी शुरुआत मैं करूंगा, उसको जूते निकालकर रास्ते के ऊपर मारेंगे, और चलते हुए पब्लिक को बोलेंगे कि इसको जूते मारो करके।